मालिक, आपने याद किया? हाँ, कॉलेज के लिए अपने सर्टिफिकेट्स और डिटेल सब कार्तिक को दे दो। मीरा के कॉलेज में मैं तुम्हारा एडमिशन। मुझे क्यों विद्यालय भेजना चाहते हैं? इसका कोई लाभ नहीं होगा। कितनी कठिनाई से पुस्तकों से दूर हुआ हूँ, अब तो इनसे दूर ही रहना अच्छा है। तेरी पढ़ाई से हमारा कोई वास्ता नहीं, तुझे मीरा का बॉडीगार्ड बनकर रहना है। मीरा जी का बॉडीगार्ड? हाँ, मीरा और मेरी बेटी मधु छुट्टियों के बाद कॉलेज जाएंगी, तुम्हें उनका बॉडीगार्ड बनकर यहाँ रहना है, ऐसा मालिक का हुक्म है। मालिक, गलत मत समझिएगा, मैं इनकी रक्षा करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ, किंतु महिलाओं के साथ। भूमि, तुम्हें पता है ना कि देवराज ने क्या धमकी दी है? ठीक है, जो आज्ञा। चंद्रकांत, अलार्म बज गया, तुम इसके जाने का इंतजाम करो। ठीक है मालिक, ठीक है। तो अब से इन दोनों की हिफाजत तुम करोगे। पारो इधर आ, वो पारो का होने वाला पति है जो बाहर खड़ा है। क्या नाम है उसका? अमावस्या। हाँ, तुम उसके साथ कॉलेज जाओगे। उनकी क्या आवश्यकता है? कहावत है एक से भले दो, और तुम सब वहाँ कॉलेज हॉस्टल में नहीं मालिक के गेस्ट हाउस में ठहरोगे। ए, जरा सुन, मीरा की सगाई हो चुकी है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। सही कहा ना? हाँ, करेक्ट है। इससे कह दो ये अपना दिमाग ना चलाए, जितना कहा जाए उतना करे। हाँ। उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, मीरा जी जहाँ भी जाएंगी उनकी रक्षा मैं रोबोट की तरह करूँगा, एक परफेक्ट बॉडीगार्ड बनकर। हमारे कॉलेज में आने वाले हर नए स्टूडेंट को ये खबर दी जाती है कि तोपों में सबसे बड़ी तोप, इंसानों में सबसे महान मुगले आजम के जिल्ले इलाही बाजीराव सिंघम का तालियों से स्वागत करें। हेलो, हाय, उठा लो, इतना झुक मत, पन्ना पछताएगा। मेरे इतना छोटा कद और ये इतना बड़ा हाथ, साइज देख के लाना था ना। नन्नी सी जान के हाथ में इतना बड़ा थमा दिया, भेजा घर पे छोड़ के आया क्या? हाय दया, मैं तो छोटी कली से भी काम चला लेता, तू तो मुझसे जान से बड़े काम करवाएगा। चल अभी उठा के दे, चल। ये कुत्ते का लाया ये हनुमान का गदा। जरा रुको, मैं चेक करके बताता हूँ। कोई खतरा नहीं है, बाहर आ जाइए। हंसने दीजिए, पता चलना चाहिए कि मैं बॉडीगार्ड हूँ, इसीलिए पहनी है। हेलो, तुम यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज गए हो ना? जी मैडम। मेरी बात तुम्हें याद है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं की? कॉलेज ठीक ठाक पहुँच गए? हाँ पहुँच गए मालकिन, मीरा जी और मधु अपनी क्लास की ओर जा रही हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। जो आ गया मालकिन। स्टूपिड फूल, नॉनसेंस, गधे, लेडीज टॉयलेट में तेरी कैसी ड्यूटी? सर वो मेरी कुछ भी मत कहो, तुम वहाँ टॉयलेट को गार्ड करने गए थे, मुझे पता है पिछले कॉलेज में तुमने बहुत गुंडागर्दी की है, फिर भी इस कॉलेज में तुम्हें क्यों आने दिया है जानते हो? तुम्हारी मार्कशीट देखकर, अगर गुंडागर्दी छोड़कर थोड़ा पढ़ने में ध्यान देते तो यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते थे। के लिए तुम्हारे पास एक चांस है। ये उल्लू का पट्टा मेरी बोल खोल के रहेगा। तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना डिसमिस कर देता, समझ गए? अब ड्यूटी का बहाना करके लेडीज टॉयलेट में जाओगे? जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है जाओ। मतलब लेडीज टॉयलेट में? क्लास में जाओ इंटेलिजेंट फूल। ओके सर। परेशान हो गया हूँ इसे समझा समझा कर। मेरी हाइट की वजह से हर किसी को मुझसे झुककर ही बात करनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन। खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। नहीं। हेलो, तुम्हारे लिए बोर्ड में लिखो क्या? सॉरी सर। की कोमोरे बैठा है क्या? नो सर। तो फिर सर मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मैं बॉडीगार्ड हूँ। और बॉडीगार्ड बैठता नहीं सर। सब लोग चुप हो गए। आपकी हो चुकी। आउटस्टैंडिंग। बॉडीगार्ड है, नाम क्या है? रसगुल्ला मंगाऊं क्या? भूमिनाथ सर। देखो तुम भूमि चुमी जो भी हो क्लास से बाहर हो जाओ, नहीं तो बैठ जाओ। सॉरी, उसे मत खेलो। चल उधर हट, चल। ओके, बहुत पहले की बात है, गुरुत्वाकर्षण की खोज जिसने की उस आदमी ने कहा कि जब रसगुल्ला नीचे गिरता है उसका एक कारण होता है और वो कारण है गुरुत्वाकर्षण। मीरा, ये किसने कहा था? कम ऑन, आदमी का नाम बताओ। क्लास में बैठे हो तो पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर मत तकाओ। कॉलेज में पढ़ने आती हो क्या फैशन दिखाने के लिए? क्या देख रही हो, मैं मिस्टी नहीं हूँ। बोलो कौन था वो आदमी? सर, भास्कराचार्य ने इसकी खोज की थी, पर लोग न्यूटन की लाल करते हैं, बचपन से यही पढ़ा है सर। hey, silence, चुप, silence. मैंने मीरा से पूछा था, तुम मीरा हो क्या? आप किसी से भी पूछिए, आंसर मिलना चाहिए ना। तुम चुप करो और बाहर जाओ। सुना नहीं, मिठाई मांगाऊं क्या? सर, मीरा तुम बैठ जाओ। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, रसगुल्ला जब नीचे गिरता है। ये हैंडसम सिर्फ मीरा को ही बचाएगा, तो हमें कौन बचाएगा? इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि भूमि से दोस्ती करो। लेकिन वो तो मुझसे दूर भागता है। मीरा, अगर तुम उससे छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। गर्ल्स, तुम में से किसी एक को उसे फंसाना होगा, प्यार में। प्यार में? Yes. कोशिश तो करो डार्लिंग। ए, उसे हमारी शक्ल ही पसंद नहीं आई तो? फेस टू फेस प्यार थोड़ी ना करना है, फोन पे करना है। हर महीने तो फोन का रिचार्ज करवाती होगी ना तुम्हारी माँ? अगर नहीं करती तो मिस कॉल देकर दिमाग की दही कर देना। और हाँ, भूल के भी वीडियो कॉलिंग मत करना। तुम चुप रहो, ये प्यार व्यार का चक्कर ना छोड़ दो, बस उसका यूनिफॉर्म बदलो, वही काफी होगा। कुछ आइडिया दो। आइडिया? आपका ये कड़क यूनिफॉर्म देखकर मुझे जलन होती है। आपने मुझे ये पहनने नहीं दिया, कम से कम इसे कड़क तो करने दीजिए बॉस। नको रे। बॉस, जाकर अपने सारे डिपार्टमेंट धो लो, उसके बाद तू अपना रिश्ता है। चल वट, अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ। चल गुलाटी मार। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। रुमाली पैंट उछालने की बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉन्ड मुझ जैसे देसी को इंडियन बॉन्ड बनने नहीं देगा। बहुत चमचागिरी करनी पड़ेगी। ये कौन सा है? कहीं कुछ जल तो नहीं रहा? ये चिल्ला कौन रहा? गया। तूने मेरे घुटने के नीचे चलाया, मैं तेरे घुटने के ऊपर चलाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? बड़े हो गए पर बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। मैं क्या झगड़ा कर रहा हूँ? मैं तो आराम से सो रहा था, इन्होंने गरम गरम मेरे पिछवाड़े में लगा दिया। अब देखिए बैकग्राउंड का नक्शा ही बदल गया है।
तेरा पिछवाड़ा जलाया तो दिखा रहा है, उधर जला था तो वो भी दिखा था। दिखाने से दर्द कम होता है, इसलिए तो दिखा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को नहीं देखना है तो अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और इनसे कहो कि अगली बार होटल से तंदूर मंगाए, मुझे न सेके। अच्छा तो तूने कुछ नहीं किया? हाँ। तूने कहाँ उंगली किया, तुझे बताओ बताओ क्या किया मैंने? इसकी ऐसी हालत किसने क्या किसने किया बता। इसको पहन के मैं बॉडी को गार्ड कर सकता हूँ? अरे इस पैंट का अंडरवेयर बना लेता, कम से कम कुछ छुपाने के तो काम आता। हाँ बस सही कहा, बताओ किस इडियट ने रोटी पे तवा सेका, यानी तवे पे रोटी। अबे तूने और किसने? ये नहीं नहीं, मैं तो स्टोनिंग करके ड्रीमिंग कर रहा था। यही है कुत्ते का बच्चा। देखिए बॉस, अगर आप मुझे इंडियन जेम्स बॉन्ड नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इन सब के सामने मुझे गाली दी ना तो मैं अपने आप को उंगली भर पानी में डुबा के मर जाऊंगा। सोते समय तुझे क्या क्या करने की बीमारियां बताओ तुझे। बस बहुत हो गया, इस बेकार से पैंट के लिए इतना हल्ला। पर मैं कॉलेज में कल क्या पहन के जाऊंगा? लो ये कोई बात हुई, और कोई पैंट नहीं है क्या? पर ये तो मेरी यूनिफॉर्म थी ना। स्कूल के छोटे से बच्चे हो क्या जो यूनिफॉर्म पहनोगे? आप सही कह रही है, कॉलेज में भी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे क्या? अब तो ढंग के कपड़े पहनो ताकि ये रगड़ा रगड़ी की आदत चली जाए। बी अलर्ट ऑफिसर। तूने अब लाइट ऑफ करके सो जाओ, चलो। अब क्या ढूंढ रहा है? यहाँ पर एक और स्त्री होनी चाहिए। एक और स्त्री होनी चाहिए? हाँ हाँ, इसे देखिए, इसमें दो बड़े छेद हैं, लेकिन सिर्फ एक स्त्री, यानी ये कांड दो स्त्रियों से किया गया, दूसरी स्त्री यहीं कहीं होगी। तेरे पिछवाड़े में दो दो बनाओ। ये कौन सी भाषा है? अरे रे रे, अरे रे रे, एक मिनट रुक जाइए बॉस। देखिए आपने अभी तक मेरा बैकग्राउंड खराब किया है, आगे क्या क्या खराब करना है उसका परमिशन तो ले लीजिए। जूनियर ऑफिसर तो मैं हूँ, और कितना नीचे जाएंगे सर? अरे बॉस ने मुझे अंदर सोने नहीं दिया, तू मुझे यहाँ तो चैन से सोने दे। मीरा दीदी, मधु दीदी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ेगी क्या? ऐसा क्या हो गया? इधर आओ जल्दी। क्या हो गया ऐसे? दीदार कर लो। नींद टेलर से सीन हो गया, इसीलिए लगता है थोड़ा ढीला हो गया। पूरी रात टेलर को सोने नहीं दिया और कहता है कि ड्रेस ढीला है, ढीली तो उसकी हालत है। ये यूनिफॉर्म कहाँ से मिली, कहाँ से उठा के लाए इसे? रात भर टेलर को लेफ्ट राइट करा के ये ड्रेस सिलवाया है। कितने डायलॉग बोलेगा, अभी तक तैयार नहीं हुए। मधु फास्ट फास्ट हरी अप, अंदर जाके तैयार हो जाओ। अरे काय का हरी अप, तुम तो जंगल से हल्की होके आ गई, अब तो मुझे जंगल जाके हल्का होना बाकी है ना। ओहो कितना डायलॉग मारोगे, सुना नहीं? हरी अप। अरे काय का हरी अप। ओहो जो करना है जल्दी करो। अरे लगी नहीं है तो कैसे करूं, जब तक नहीं लगेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम जल्दी जाओ, बाल्टी लेके आओ जल्दी, मुझे लगने दो। कुमार वर्मा की बेटी कॉलेज आ गई और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी मौजूद है। ए जरा देखो, ए मीरा, एक अंधा लड़का तुम्हारे पीछे चल रहा है, उसका हाथ पकड़ कर चलो, नहीं तो वो किसी पर गिर जाएगा। भूमि तुम अपना ये काला चश्मा उतार क्यों नहीं देते? नहीं, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं कहाँ और किधर घूम रहा हूँ। अब मैं बता दूँ कि झांसा कैसे दिया जाता है। ए मीरा, मैं तुम्हारे यहाँ पे कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे पहले इसका सामान तो दे दे, ये लो। अरे नहीं, ये तो बुरके वाली है। वालेकुम अस्सलाम। कंफ्यूज हो गया। मधु, मीरा जी कहाँ हैं? वो अंदर है, आ रही होगी। मीरा जी, आप आती हैं या मैं आऊं? आप भी यहाँ आएंगे, सोचा नहीं था। Stupid, idiot, nonsense, fool. कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप तो प्रिंसिपल है, आपका भी दिल करता होगा। मैं तो यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, मीरा जी को देखने आया था। हाँ? ये गधा हर बार लेडीज टॉयलेट में ही क्यों घुसता है, इसमें जरूर कोई राज है। किस्मत अच्छी है किसी ने देखा नहीं।